स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में अध्याय 14 सांख्यिकी का भाग एक पढ़ा था, आज भाग दो पढ़ेंगे। उसमें ग्राफ आलेख पढ़ेंगे और माध्य माध्यक और बहुलक इसका भी अध्ययन करेंगे। पहला आता है आलेख के लिए। एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। ठीक है, तो वो दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी और ई, इनके सीटों की संख्या है वो दी गई है। ए के लिए है 75, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37। ठीक है, आपको इसमें पहला ज्ञात करना है, एक डंडा लेख बनाना है, दूसरा अधिकतम सीटों की संख्या बतानी है और न्यूनतम सीटों की संख्या बतानी। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। एक आलेख खींचने के लिए दो अक्ष लेते हैं। पहला आएगा राजनीतिक पार्टी, इस एक्स अक्ष पे आए, फिर ये आएगा सीटों की संख्या यहां पे वाई अक्ष पे, सबसे छोटा अंक जो है 10 है, देखिए ये मिनिमम अंक मैक्सिमम अंक। ठीक, तो ये ग्राफ है जो मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो 10 और 75 की डिवाइडेशन करते हैं, ये 10, इसमें 10-10 का अंतर ले सकते हैं, 10 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक, ये होगी। अब पार्टी का डिवाइडेशन ए से करेंगे, ए के लिए है, बी सी डी ई और एफ तक है। ठीक, पहले के लिए राजनीतिक ए के लिए है 75, पहला मान 75 जो है यहाँ पे हम देखते हैं 70 और 80 के बीच में वो संख्या प्राप्त होगी, हमको ये प्राप्त होगी है। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो ये बनेगा पहला ए के लिए। ठीक, अब इसी प्रकार बी के लिए 55 ये बनाना है, तो बी के लिए बनाएंगे 50 और 60 के बीच की संख्या 55 होगी, तो ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये हो गया बी के लिए। इसी प्रकार सी, सी है 37, ठीक, 30 और 35 के बाद आएगा ये 37, यहाँ कहीं होगा इसकी सीध में, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया सी 37, फिर 29, 10, डी के लिए 29 चाहिए है, यहाँ 29 आ जाएगा, ई 10 चाहिए है, ये 10 हो गया, एफ के लिए 37 चाहिए, फिर से जो डी का मान है ना वो ही एफ का है, बी 37 और ये। ठीक, ये हो गया, इसको कहते हैं दंडा लेख। ठीक है बेटा, इसको 75 ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फिर 55 है ये, दिस 10,
जाएगा ये इस तो ऐसे बनाना है। आप एक ग्राफ कॉपी में ही चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए आपको इसका ये एक उदाहरण है जैसे बनाया है इस प्रकार बनी गई है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है और जीती गई सीटों की संख्या 0 से लेके 90 तक की संख्याएं वाई अक्ष पे ली हैं और बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राजनीतिक पार्टी में अधिकतम सीटें जीती है, है ना। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ए की है, तो सीटों की संख्या क्या हुई, ए ने जीती है। ठीक, फिर ई ने सबसे कम 10 जीती है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या या आंकड़े दिए गए हैं। 2 कॉलम दिए गए हैं आपको, एक क्षेत्र कौन सा है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक, तो अनुसूचित जाति दी गई है, SC ST 970, फिर और जनजाति है, पिछड़े वर्ग और गैर पिछड़े, ग्रामीण और शहरी, ये सारे जो आंकड़े दिए गए हैं आपको। ठीक, इनका दंडालेख तैयार करना है। ठीक, तो जो क्षेत्र लेंगे वो लेंगे x अक्ष पे। ठीक, आया समझ, यहाँ आएगा आपका क्षेत्र लेंगे, फिर यहाँ लेंगे आंकड़े का अनुपात लेंगे। तो सबसे इसमें सबसे कम संख्या देखते हैं, सबसे कम संख्या है 910। मिनिमम है 910, मैक्सिमम है 970। ठीक, तो ये जो वाई एक्स का जो ग्राफ होगा वो 900 से शुरू करेंगे, संख्या लेंगे 900 से और ले लेंगे 1000 तक, 970 लास्ट है तो ले सकते हैं 980। ठीक, यहाँ तक हम वाई एक्स पे इसको बना लेंगे। ठीक, अच्छा अब शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे समझाते हैं आपको कि उसी तरह आप बनाएंगे। देखिए x अक्ष हुआ और y अक्ष हुआ, ठीक हो गया। देखिए पहला आता है अनुसूचित जाति, ये होता है SC। ठीक, इसके लिए 940 पहला आंकड़ा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 900 से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जाएगा ये 900, फिर जाएगा 910, 920, 930, 940, मैं यहाँ तक बता रही हूँ, तो 940 आएगा 950 इसके बाद। पहला देखते हैं तो 940 यहाँ पर आए गए हैं। ठीक, तो पहला जो आंकड़ा बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये वैल्यू होगी 940। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 970 बनाएंगे और आगे भी इस प्रकार के आंकड़ों को लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो
अनुसूचित जाति के लिए है 940, तो क्या करेंगे 940 को यहाँ तक स्केल से खींचिएगा, है ना, स्केल से ग्राफ कॉपी में खींचना, ठीक है, यहाँ से 940 ये हुआ, ठीक, ये पहला बना, ठीक। फिर आता है अनुसूचित जनजाति के लिए 970, तो 970 देखिए कहाँ है, ये, तो यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के लेना है, ये जाएगा 970, ठीक है, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट जाएगा 970 के बाद आएगा 920, ठीक, 20 के लिए ये जाएगा, ठीक, ठीक, इसी प्रकार हो गया। अब 950, 20 और 30, ये 950 हुआ, अब 920, फिर 930 लेना है, ठीक है, चॉइस समझ में, ऐसे करके आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, ठीक। आगे एक और संख्या है 930 के बाद 910 भी है, तो आगे एक बनेगा जो 910 यहाँ से आएगा, आया समझ में, ये 910 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आप बना लेंगे इसको, ठीक। अब लिखते हैं, यह है 940, इसको लिख देंगे हम 970, फिर 950, ठीक, 920 और 9, ठीक है, ये सारी संख्याएं हुई, इसको कहते हैं जनजाति, ठीक। यहाँ आप जातियों के लिख देना, अनुसूचित जाति, ठीक है, पूरे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। फिर आएगी अनुसूचित जनजाति, ठीक, इसके बाद आएगा गैर अनुसूचित जाति, ये कॉलम से क्वेश्चन देख के करना है, ठीक। फिर पिछड़ा जिला, ये हो गया, इसके बाद आएगा गैर ग्रामीण शहरी, ये गैर, ये ग्रामीण, और लास्ट में आएगा ये शहरी, ठीक, ये एक तैयार है, ठीक, आप उसको बनाएंगे अच्छे से। चलिए, अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है समांतर मार्ग, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों के औसत या एवरेज को समांतर माध्य कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई समूह है, समूह में हमें ये माध्य ज्ञात करना है, ठीक, तो क्या करेंगे कि पदों का कुल योगफल और पदों की कुल संख्या से भागित करेंगे, तो अब माध्य जो है मीन वो मिल जाएगा, ठीक। जैसे हमें कोई कक्षा है, कक्षा के बच्चों की जो संख्या है उसका माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे कि कक्षा के बच्चों की संख्या जितनी है उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बच्चों की जो संख्या है वो जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ के और जितने बच्चे हैं उतनी संख्या से क्या करेंगे, भागित करेंगे, तो मीन अपने आप निकल गया, इसका फॉर्मूला है। एक्स बार बराबर पदों का कुल योगफल, इसको कहते हैं प्रेक्षणों का योग, योग भी हम जो आंकड़े लेते हैं उसमें प्रेक्षण कहलाते हैं, प्रेक्षण का योग, और डिवाइड प्रेक्षण की संख्या, की संख्या, प्रेक्षण या पद एक ही होता है, तो इसका फार्मूला है समेशन।
इसका फॉर्मूला आपको ये है ना, ये इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स, ये चिन्ह है को कहते हैं सिग्मा, ठीक है, या समेशन, ए टी आई ओ, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, कुल योग, जितनी संख्याएं दी है टोटल इसको जोड़ेंगे, ठीक। इसके सवालों को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं आपको मालूम है बच्चों कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। अब कुछ जो काउंट करेंगे गिनो, तो गिनने पे 10 होना चाहिए संख्या, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गई 10 संख्याएं। तो क्या करेंगे फार्मूला में, माध्य बराबर, माध्य को लिखते हैं एक्स बार, ये क्या कहलाता है, एक्स बार, ये माइनस नहीं है, क्या है, बार, एक्स के ऊपर जो लगाते हैं वो। तो पूरी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितनी संख्याएं टोटल हुई, 10, तो 10 से क्या करेंगे, भागित करेंगे, समझा, तो 10 से हम भागित करेंगे तो 100 बाय 10 कैंसिल करेंगे 0, तो क्या आएगा, 10 बाय 8 इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक। ये आ गया। अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ये सवाल को हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन है, इसमें 5 संख्याएं दी गई, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर सिग्मा x बाय n, ठीक। इसको क्या लिखते थे कि पदों का योगफल, ठीक है, और कुल संख्या, यही था। अच्छा पदों का योगफल, पद कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और पदों की कुल संख्या इसको गिनेंगे, कितने आएंगे, 4, 5, ठीक। चलिए इनको जोड़िए तो 9, 12, 3, 15, ठीक, कितना आएगा, 15 बाय 5। चलिए 5 से 15 को भागित कीजिए तो आ जाएगा 3, आया समझ में, इसका माध्य क्या होगा, आंसर रहेगा 3। आंसर ठीक। अब पढ़ते हैं आगे माध्य का या माध्यक, चरों के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। चर का मतलब होता है x का मान है, और आरोही का मतलब होता है कि संख्या का बढ़ता क्रम, छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना, और अवरोही का मतलब होता है बड़ी से छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। पदों की कुल संख्या n ज्ञात करते हैं। फिर दो फॉर्मूले हैं, यदि पदों की संख्या विषम है तो n प्लस 1/2 फॉर्मूला यूज करेंगे, और पदों की संख्या सम है तो इसमें माध्य का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए, ठीक है। सम मतलब पदों की संख्या आएगी 2, 4, 6 या 8, कोई भी एक संख्या आएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला, और अगर आएगा 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये आता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n प्लस 1/2, ठीक। चलते हैं, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, निम्न आंकड़ों से माध्य का ज्ञात कीजिए। देखिए आंकड़े दिए गए हैं, ये संख्याएं लिखी गई हैं आपको क्रमशः, ठीक। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही यानी होता है बढ़ता,